नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 और हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हमारा जो गद्यखंड है उसका अध्याय 5 चपला देवी द्वारा लिखित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो कल हमने भाग्य के अंतर्गत पढ़ा था कि किस प्रकार से नाना दुदुपंत जो हैं उनको हरा दिया जाता है अंग्रेजी सेना के द्वारा। कानपुर में वे असफल हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनकी जो पुत्री है मैना तो वह वहीं पे रह जाती है। तो मैना जो है अपने पिता के महल में ही रहती है, लेकिन विद्रोहियों के दमन के बाद जो अंग्रेज बड़ी क्रूरता से जो कानपुर के अंदर बिष्टूर में नाना साहब का जो राजमहल था उसको लूट लिया जाता है, और कुछ जो बचा हुआ थोड़ा बहुत ही खजाना जो है या संपत्ति कह सकते हैं वो अंग्रेज़ों के हाथ लगती है। और अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब के जो महल है उसको भस्म कर देने का निश्चय किया, लेकिन जब सैनिक दल ने तोप जो है उस तरफ लगाई महल को ध्वस्त करना चाहा, तो महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो जाती है और वो मना करती है। अब ऐसा देखकर जो अंग्रेज सेनापति है वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि महल में वह बालिका पहले नहीं मिली, लेकिन अब वह बालिका कहाँ से आ गई। तो उनके बीच में बातचीत होती है और वह मना करती है कि आप हमारे महल को मत तोड़िए, क्योंकि यह तो चल नहीं पाता है, महल तो स्थिर है, तो महल ने तो आपका क्या बिगाड़ा है ना। आपकी जो कोई दुश्मनी है वह तो दुदुपंत के साथ में है, महल कि आप रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से बातचीत होती है, बताती है कि वह उनकी पुत्री जो थी मैरी उसकी सहेली थी जो मैना देवी हैं, और आप भी हमारे यहाँ आते रहे हैं। इस प्रकार से यानी कि वो उनको याद दिलवाती है। तो सेनापति जो है वो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं हो सकता है प्रयास करूँ। लेकिन इतने में ही जो जनरल आउटरम है वह वहाँ पहुँच जाते हैं और वे कहते हैं कि अभी तक सेनापति हे से कहते हैं कि अभी तक तुमने ये जो महल है तोपों से उड़ाया क्यों नहीं है। तो सेनापति हे जो है विनम्रतापूर्वक कहता है कि मैं इस फिक्र में ही हूँ, यानी कि इसको तोड़ना ही चाहता हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इस महल को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। अब देखिए, एक जो जनरल है, जो सेनापति है, वो जनरल आउटरम से बातचीत कर रहा है और निवेदन कर रहा है कि किस प्रकार से इस नाना साहब जो दुदुपंत जी हैं तो उनके महल को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। अब देखिए, इनके बीच में आपस में बातचीत हो रही है और क्या ये महल बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, तो इसको हम पढ़ रहे हैं भाग 2 के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेनापति हे ने तो निवेदन कर दिया, लेकिन आउटरम का क्या रहता है रिस्पॉन्स, तो अपने कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार से वो उसको मानते हैं या नहीं मानते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 के अंतर्गत। तो आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। अब आउटरम कहता है कि गवर्नर जनरल है ना, उनकी आज्ञा के बिना यह संभव नहीं हो सकता, हम अपनी इच्छा से ये नहीं कर सकते। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। अब नाना साहब के ऊपर ना अंग्रेज़ों का बहुत अधिक क्रोध है, क्योंकि इन्होंने हर बार जो है लोगों को भड़काने का प्रयास किया है और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है अनेक बार विद्रोह किए हैं। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। और वो कहते हैं कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और नाना साहब पर अंग्रेजों का बहुत अधिक क्रोध भी है, और नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है, यानी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनका जो वंश है ना, अगर वंश का कोई मिल भी जाता है तो उसको भी मार दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ऐसी आज्ञा हमें मिली हुई है, और तुम महल की बात कर रहे हो। सेनापति ही कहते हैं तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। वो कहते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो हैं जिन्होंने आज्ञा दी है, तो गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए कि इसको बचाया जाए। तो आउटरम कहते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। अब आउटरम कहते हैं कि हम सख्त आदेश दिया गया है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि नाना साहब का जो महल है वो बच जाए, लेकिन हमें आज्ञा मिली हुई है कि महल को विध्वंस करना है और नाना की जो लड़की है उसको गिरफ्तार के बिना हम उसे नहीं छोड़ सकते, गिरफ्तार करना ही है हमें उसे।
तो सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। अब सेनापति हे जो है वहाँ से दुखी हो गया है। अब वो औट्रम ने कहा कि हमें सख्त आदेश दिए गए हैं कि महल को विध्वंस करना और उसकी जो लड़की है उसको गिरफ्तार करना है। तो ऐसा सुनकर जो सेनापति हे है मन में दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जनरल औट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। अब महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। अब देखिए, पहले भी अंग्रेज सैनिकों द्वारा महल को लूटा गया, कोस को अपने अधीन किया गया, तो वहाँ जो नाना की पुत्री है मैना कहीं नहीं मिली। लेकिन बाद में जो मैना है वहाँ बरामदे में आती है और वो सेनापति हे से संवाद करती है, बातचीत करती है। तो लेकिन सेनापति हे जो है वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं और जनरल औट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया था और महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही जो भीतर घुस जाते हैं और मैना को खोजने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सारा महल जो है खोज लेने के बाद में भी मैना का उनको कहीं पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। अब उसी दिन संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया उनके पास में और जिसका आशय मतलब कि उसमें क्या लिखा हुआ था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। अब देखिए, नाना का स्मृति चिन्ह है ना, कि लोग जो हैं उस स्मृति चिन्ह को देखकर, उस महल को देखकर एक प्रकार की जो है उनके मन में पुनः जो है आस्था जागृत हो जाएगी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आक्रोश की भावना बनी रहेगी, तो इसलिए नाना का अगर कोई स्मृति चिन्ह है तो उसको मिटा दिया जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, लंदन में बैठे हुए जो मंत्रिमंडल है तो उन्होंने विचार किया कि नाना की जो स्मृति है उसको मिटा दिया जाए, अगर नहीं मिटाया जाता तो वह भारतीयों के लिए एक आस्था का केंद्र बन जाएगा और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जो है बहुत ही घातक सिद्ध होगा, तो इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल औट्रम की आज्ञा सेना साहब के सुविशाल राज्य मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। अब देखिए, उसी क्षण जो क्रूर जनरल औट्रम था उसकी आज्ञा से नाना साहब का जो विशाल बड़ा जो राज मंदिर था तो उसके ऊपर तोप के गोले बरसने लगते हैं। अब क्योंकि पहले ही घेर रखा था औट्रम ने उस महल को, नाना साहब के महल को, तो जैसे ही आज्ञा मिलती है तो नाना साहब का जो महल था तो उसके ऊपर तोप के गोले बरसने लगते हैं। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। अब मिट्टी में मिला दिया मतलब तोड़ दिया गया बिल्कुल। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है। अब देखिए, उस समय लंदन का सुप्रसिद्ध टाइम्स जो पत्र है, अखबार है, उसमें 6 सितंबर को एक लेख लिखा गया था। तो उसमें क्या लिखा गया था, तो चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। अब भारत सरकार मतलब आज की जो सरकार है वो नहीं, भारतीयों की सरकार नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की सरकार है जो भारत में है, तो उसको भारत सरकार कहा गया इसमें कि दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। यानी कि हर प्रकार से जो बुरा करने वाली थी अंग्रेज सरकार का, तो उसे को पकड़ नहीं सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। और देखिए किस प्रकार से भाव प्रकट किए गए हैं कि जब तक हम लोगों मतलब अंग्रेज़ों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो कानपुर के अंदर अंग्रेज़ों को मारा गया था, हत्याएं की गई थी, तो उसी से काफ़ी क्रोधित थे अंग्रेज़ जो हैं। तो कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में रक्त रहेगा तो कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लोग जो हैं वो भूलेंगे नहीं। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉम्स हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। अब देखिए, जो पार्लियामेंट थी, जो संसद कह सकते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, तो उस सभा में सर टॉम्स जो हैं तो उनकी एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। अब देखिए, नाना साहब जो उनकी पुत्री के ऊपर दया दिखाने के लिए उन्होंने लिखा था, हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा।
अब देखिए वो कहते हैं कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड में सभा हो रही है और सर टॉम्स के द्वारा एक रिपोर्ट लिखी गई, तो उस पर लोग हंस रहे हैं कि जिस नाना साहब ने अंग्रेज जो नर नारी थे उनका संहार किया है, उसकी कन्या के लिए क्षमा याचना की जा रही है, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉम्स ही एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गई। तो देखिए किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वृद्धावस्था में सर टॉम्स जो है एक मामूली महाराष्ट्र की जो बालिका है तो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई और अपने कर्तव्य को भूल गई। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। अब देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड में भी ऐसा पारित कर दिया गया, आदेश निकाल दिया गया कि जहां भी नाना से संबंधित अगर कुछ भी है तो उसको नष्ट कर दिया जाए, अगर उसका पुत्र मिलता है, कन्या मिलती है या अन्य कोई संबंधी भी अगर वहां मिल जाता है तो उसको मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। अब उसको मतलब उस कन्या को तो जो सर हे हैं उनके सामने ही लटका दिया जाना चाहिए। तो ऐसा पारित किया गया सन 57 के सितंबर माह में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। अब भग्नावशिष्ट यानी टूटा फूटा जो खंडहर है प्रासाद मतलब महल, जो महल नाना साहब का था जो टूट चुका है, तो सन 1857 के सितंबर माह में, सितंबर का महीना है और अर्धरात्रि के समय आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका जो स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहनकर, अब स्वच्छ उज्ज्वल मतलब सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, साफ वस्त्र हैं, और नाना साहब का जो टूटा फूटा जो खंडहर था महल जो ढेर है उसके ऊपर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी और पास में ही जनरल आउटरम की सेना ठहरी हुई है जो कि काफ़ी क्रूर था। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गई, अब क्योंकि सेना वहाँ पर ठहरी हुई है पास में ही तो स्वाभाविक है कि सैनिक देखने के लिए रात्रि गश्त पर गए होंगे वहाँ, तो रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर गए। बालिका केवल रो रही थी, अब बालिका केवल रो रही है, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। अब सैनिकों ने पूछा तुम कौन हो, है ना, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गया। कराल मतलब क्रोध में अत्यंत विकृत जो रूप कह सकते अपने, बहुत गुस्से में जो जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गया है जो काफ़ी क्रूर है, वह उसे तुरंत पहचान कर बोला ओह यह नाना की लड़की मैना है। अब देखिए जो जनरल आउटरम है वो उसको पहचान गया है और बोलता है कि अरे यह तो नाना की लड़की मैना है, पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। अब जो नाना की बालिका है, लड़की है मैना, तो उसको पहचान लिया गया है जनरल आउटरम द्वारा, तो वह बालिका किसी प्रकार से इधर उधर नहीं देखती है, चारों ओर सैनिकों ने घेर रखा है उसको, तो वह बिल्कुल भी डरती नहीं है। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। अब जनरल आउटरम कहता है कि मैंने अंग्रेज सरकार है ना उसकी आज्ञा के द्वारा, उसने मुझे आज्ञा दी है तो जिसके कारण से मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लेता हूँ, गिरफ्तार कर लिया मैंने तुम्हें। मैना उसके मुँह की ओर आत्र स्वर में बोली मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आप आज मैं यहाँ जी भर रो लूँ। अब मैना जो है आत्र स्वर में यानी कि रोते हुए स्वर में वो कह रही है कि आप मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर रो लूँ, कि जिसके कारण से मैं जी भर के यहाँ पे रो लूँ कि फिर बाद में मौका मिले या नहीं मिले जी भर के रोने का। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। अब पाषाण हृदय यानी कि उसका हृदय किसी प्रकार से पिघलने वाला नहीं था जनरल आउटरम का, तो उसने जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की, तो उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। और उसी समय ही जो हथकड़ी डाल दी गई मैना के हाथ में और उसको कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया, उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनिवास के बाखर पत्र में छपा था। अब उस समय यानी कि जब कि ये घटना है 1857 के सितंबर महीने की, तो उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता, महाराष्ट्रीय मतलब महाराष्ट्र के जो इतिहासवेत्ता हैं, इतिहास को जानने वाले महादेव चिटनिवास हैं, तो उनके बाखर पत्र में, अब बाखर ये पत्र का नाम है, छपा था कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया,
नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। अब देखिए किस प्रकार से अंग्रेजों ने अत्याचार किया, जिंदा जला दिया गया है उस बालिका को। तो उसमें छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया और नाना साहब की जो एकमात्र कन्या थी मैना, वो धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अब आग भीषण है लेकिन उसमें वह शांत स्वभाव से खड़ी है, सरल मूर्ति है उसकी, तो ऐसी अनुपम बालिका को जलता हुआ देखकर सभी ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो हर कोई जो है उसको देवी मानता है, तो क्योंकि वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई है और अपने जो कर्तव्य पथ के ऊपर उसने अपने आप को जो है बलि वेदी पर, स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने जो प्राण हैं उनको समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से जो नाना साहब की पुत्री है देवी मैना, तो उसको जलाकर भस्म कर दिया गया। तो देखिए किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए गए थे और किस प्रकार से जो क्रांतिकारी थे उनके परिवार में और बालक या बालिका या उनके कोई रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, तो उनको भी किस प्रकार से अत्यंत प्रताड़ित किया गया। तो ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने अध्ययन किया है कि किस प्रकार से नाना साहब की जो पुत्री है उसको अंग्रेजों द्वारा जला दिया जाता है, जिस प्रकार से कि जैसलमेर में यही ऐसा ही किया गया था। जैसलमेर के अंदर सागरमल गोपा के द्वारा उनको भी जिंदा जला दिया गया, तो उसी प्रकार से ही अंग्रेजों ने कानपुर के अंदर भी एक बालिका को जिसका कोई अपराध नहीं था, तो ऐसी बालिका को जो है वो जिंदा जला दिया। तो ऐसे जो अंग्रेज शासन थे जिसने हर प्रकार से भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए हैं और स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न जाने कितने ही असंख्य वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो उनमें से एक थी नाना साहब की पुत्री देवी मैना, तो जिसका हमने अध्ययन किया है। तो आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही अपना ये अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।